तो गाइस फाइनली हमारी बाइक में काम स्टार्ट हो चुका है। ये 3 लेयर वाली लैमिनेशन है जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी की होती है। तो भाई असली जादू होगा अब ये देखना। अब उधर ये इसकी फर्स्ट लेयर ये चेक करो भाई। एक मिनट रोकना। तो भाई हमने अपनी बाइक का टैंक पैड खोल दिया, ये चेक करो भाई हटा रहे हैं, मतलब इस पर ना बहुत अच्छे से लैमिनेशन हो गया बस। तो गाइस फाइनली ये पैनल निकल चुका है हमारी बाइक के टैंक का, अब होगा मज़ेदार काम। हेलो माय यूट्यूब जनता, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस फाइनली आज हम अपनी बाइक R15M पे कराने वाले हैं, फुल PPF, मतलब फुल बॉडी पे PPF। और गाइस बताएं, मेरी बाइक को 2 महीने हो चुके हैं जब से मैंने निकाली, जब से PPF ही नहीं कराई है भाई। तो कहीं कहीं ना बॉडी पे स्क्रैच आ चुके हैं, और जो आने वाले टाइम में स्क्रैच होंगे वो बच जाएंगे PPF कराने से। तो भाई PPF ना बहुत ज़रूरी है अपनी बाइक पर, अगर आप न्यू बाइक लेते हो तो उस पर बाद ना PPF करानी बहुत ज़रूरी रहती है। तो मैं 2 महीना लेट हो गया, पता नहीं क्यों नहीं कराई थी बस ऐसे ही। तो गाइस फाइनली अभी कुछ देर में निकलते हैं अपनी बाइक पे PPF कराने के लिए। और गाइस पता है जहाँ मैं PPF कराने जा रहा हूँ ना, वहाँ पे ना आप हर जगह से कम रेटों पे आप अपनी बाइक पे PPF करा सकते हो। तो प्राइस आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा क्या प्राइस रहने वाला है। तो बस कुछ ही देर में निकलते हैं अपनी क्यून को लेकर PPF कराने के लिए। तो गाइस ये खड़ी है अपनी क्यून, इसे ना वॉश भी कराना है, क्योंकि भाई वॉश कराने के बाद ही वो PPF करते हैं। तो भाई आज जा रहा हूँ मैं अकेला ही, सूरजपाल है नहीं, स्कूल गया है, मैं अकेला ही करा लाऊँगा ये चीज़। तो चलो भाई चलते हैं आज अपनी क्यून को कराते हैं, न्यू तो है ही वैसे भी। तो गाइस अभी हम करा रहे हैं अपनी बाइक वॉश, उसके बाद यहाँ से निकलना है, भैया करेंगे, क्योंकि बाइक करानी वॉश करानी ना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इस पर PPF होगी। गाइस फाइनली हमारी बाइक वॉश हो चुकी है, और भाई अब चलते हैं सीधा PPF कराने के लिए। तो गाइस फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं भाई की शॉप पर, क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो भाई करने वाले हैं अपनी बाइक पर PPF फुल पे। और तुम्हारा स्टाफ कहाँ गया आज? आज पर्चे भरे जा रहे हैं वो। अकेले करोगे? चलो भाई जो भी है जितना भी टाइम लगेगा, फाइनली आज अपनी बाइक पे होने वाली है PPF, और भाई को बताते हैं सारा काम क्या क्या है, कैसे कैसे। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक में काम स्टार्ट हो चुका है। ये 3 लेयर वाली लैमिनेशन है जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी की होती है, 3 लेयर वाली। एक उसको मतलब एक तो इसके नीचे जाएगी जब चिपकाएंगे इसको, एक उसके चिपकाने के बाद हम करेंगे इस पर जैसा भी। भैया ने काम स्टार्ट कर दिया है, ओवर कट गई नहीं, इस हिसाब से लगाना ना जो साइड में नीचे बच जाए। भाई यहाँ पे हो रही है हमारी बाइक क्लीन अभी, क्योंकि भाई इसे करने से पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके अंदर डस्ट आएगी तो दब जाएगी PPF के नीचे। और गाइस हमने एक मॉडिफाई करा दी यहाँ पे, यहाँ पहले R15M था, अब हो गया ओनली R1। यहाँ पे ब्लू कलर की हमने टेपिंग करा दी है PPF कराने से पहले, उसके बाद कराएंगे तो दिखेगा नहीं है, तो दिख ही नहीं रहा है दूर से, ऐसी लग रहा कि R1 है ये। अब जो भी नाम पढ़ेंगे R1 समझेंगे इसको, जैसा भी है। तो करते हैं भाई काम स्टार्ट। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक में काम स्टार्ट हो चुका है, बहुत टाइम लगने वाला लेकिन कोई नहीं, बने रहिए ब्लॉग के साथ, पूरे डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक पे धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है PPF। और गाइस पता है असली मज़ा तो जब आएगा जब इसकी ऊपर की लेयर उतरेगी। अभी क्या है, जो भैया जो वाइपर से इसे चिपका रहे हैं ना, उससे स्क्रैच आ रहे हैं, क्योंकि 3 लेयर वाली है ना ये। तो जब फर्स्ट पन्नी इसकी उतरेगी ये वाली, जब चमक मारेगी पूरी ओरिजिनल मस्त एकदम जैसा भी है। इतने पे हो चुकी है हमारी पे PPF, बने रही है ब्लॉग के साथ, बस कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो गाइस फाइनली हमारे राइट साइड का पैनल हो चुका कम्प्लीट, बस थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद इसकी फर्स्ट लेयर पन्नी उतरेगी, तब देखना इसकी शाइनिंग कितनी भयंकर वाली आने वाली है। तो भाई ये वाला पैनल हो चुका है कंप्लीट, बस इसकी जो फर्स्ट लेयर है वो अभी रिमूव करनी है। भैया कह रहे हैं अभी दूसरी साइड करते हैं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा ना, थोड़ी ग्रिप बना लेगा अच्छे से, उसके बाद हम इसकी फर्स्ट लेयर रिमूव करेंगे। बाकी तो ठीक लग रहा है मस्त, अभी बाकी बहुत ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन भी कराना अपने बाइक में, बने रही है बस ब्लॉक के साथ। जो भी है अब होगा लेफ्ट हैंड का पैनल, ये वाला करेंगे भैया, अभी लैमिनेशन काट रहे हैं इधर, यहाँ से नाप के लैमिनेशन कट करते हैं PPF, उसके बाद फिर लेफ्ट हैंड का करते हैं, बस वीडियो में कंटिन्यू नहीं रहेगा, आप मज़ा आ जाएगा आपको। तो भाई ये वाला पैनल हो चुका हमारा क्लीन, भैया ने कर लिया, अब इस पे करते हैं PPF स्टार्ट। तो भाई लेफ्ट साइड में भी काम स्टार्ट हो गया हमारी बाइक का, इधर पकड़ना है, देखना आ रहा ना पूरा। तो भाई लेफ्ट हैंड के पैनल पर इतना काम हो चुका है, बहुत हार्ड है यार, भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, धीरे धीरे सारी बाइक पे हो जाएगी PPF। तो गाइस फाइनली हमारी लेफ्ट हैंड के पैनल पे भी भाई पूरे पे PPF हो चुका है भाई, ये चेक करें। बट इसके ना फर्स्ट लेयर अभी नहीं उतार रहे हम, बाद में उतारेंगे, देखो यहाँ पे थोड़ी सी उतर चुकी है,
और देखो मैं उतार के दिखा दूँ आपको थोड़ी सी। अबे हटना, अरे ये देखो भाई, चलो बाद में उतारेंगे जैसा अभी, अभी नहीं उतार रहे, पहले पूरी बाइक पे पीपीएफ होती है, जब तक वेट करो आप। तो अब होगी टैंक पे इसके, ये चेक करो भाई बाइक के साथ क्या हो गया, पूरी सीट खोल दी हमने यहाँ की, क्योंकि इससे ना पूरी फिट होगी लैमिनेशन जो टैंक पे होगा ना, सारे पैनल और सीट खोल दिए हमने। और इस पर भी यहाँ पे ना, इधर देखो जी, ये पट्टी आ रही है ना, ये ब्लू करनी है, ये पूरा ब्लू करना है, ये पोर्शन इतना ये अलग आना है, इसके बाद पीपीएफ करना, दब जाएगा उसमें तो कलर मैचिंग आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनल गाइस थोड़ी सी मॉडिफाई भी कराते हैं और पीपीएफ भी, अभी करते हैं काम स्टार्ट। तो भाई अभी हमारे राइट हैंड के पैनल की जो कटिंग कर रहे हैं भैया, इसके बाद इसकी फर्स्ट लेयर उतारेंगे, अभी इधर का पैनल फाइनल करते हैं अभी थोड़ी देर में, तो कटिंग करते हैं साइड की, उसके बाद ये पूरा फाइनल लुक आने वाला है 2 मिनट में। तो भाई असली जादू होगा अब ये देखना, अब उतर रही है इसकी फर्स्ट लेयर, ये चेक करो भाई, एक मिनट रोकना रोकना, रोक के रखना है ना। तो गाइस अब आया मजा भाई, देखो पूरी शाइनिंग आ गई भाई, जो फर्स्ट लेयर उतरी है ना भाई साहब, अब लगा कि हाँ बाइक पे पीपीएफ कुछ काम हुआ है, मस्त लग रही है ना, पहले से ज़्यादा शाइनिंग आ गई भाई, ये चेक करो भाई, बिल्कुल न्यू लग रही है यार, ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू निकाली हो भाई, मस्त लग रही है भाई, एकदम चमक गई। देखो ब्लैक वाली कराते ना हम, तो उसमें इतनी शाइनिंग नहीं आती, इसमें बहुत शाइन है यार, अब आया मज़ा। चलो भाई ये तो बस धूप में रिमूव हो जाएंगे ना, ये तो जो थोड़ा बहुत है, इसको और कट करो, ये जो है ये वाला गोल करके कट करके बड़े करके, ये जो कटिंग का है कहीं कहीं रहना दे, वो कर दो उसे। तो फाइनली गाइस अपनी बाइक पर राइट हैंड का पैनल हो चुका फिनिश, और ये चेक करें कितनी प्यारी लग रही है हमारी बाइक, भाई कोई ये नहीं बता सकता इस बाइक पे पीपीएफ हो रखी है भाई, ये चेक करो बिल्कुल ऐसा लग रहा है न्यू पैनल, मस्त लग रही है। और गाइस हमने मॉडिफाई करा दिया, R1 कर दी हमने, R15M की जगह R1 कर दी हमने अपनी बाइक, यहाँ थोड़ा रेसिंग लिखवा दूंगा मैं सिल्वर से, तो पूरा मैच हो जाएगा। तो गाइस फाइनली हमारी लेफ्ट हैंड के पैनल की भी कटिंग हो चुकी है, बस इसकी 3 फर्स्ट लेयर छुटानी बाकी है, थोड़ी सी कटिंग है उसके बाद छुटाते हैं इसकी लेयर, एकदम शाइन आने वाला एकदम। ये चेक करो भाई, हो गई न्यू भाई, चलो भाई दोनों पैनल तो कंप्लीट हो गए, अब टैंक पे करेंगे और बाकी बाइजर मरगाट तो बहुत काम है, बस वीडियो देखते रहिएगा आप। तो भाई हमारी बाइक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, यहाँ पे कुछ ब्लू पट्टी लगवानी है हमें बाइक के मैच में, ये ब्लू एलो है, ब्लू पट्टी थोड़ा यूनिक लगेगा, देखना आपको लुक पता चल जाएगा थोड़ी देर में, बहुत अच्छी रहने वाली है। तो फाइनली गाइज हमने थोड़ा सा अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कराया, यहाँ पे ना ब्लू पट्टी लगवाई, यहाँ थोड़ा कर्व था इसलिए, और यहाँ पे पूरे पोर्शन पे ब्लू करा दिया हमने, ये ना मैचिंग हो गया एलोय ब्लू, मतलब एलोय ब्लू सारा ब्लू बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पैनल लगेगा ना ब्लैक तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा जैसा भी है, तो मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, कमेंट करना आपको कैसी लग रही है। बट यहाँ पे ना स्क्रैच थी मैंने इसलिए ये कराया है, और इसे सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे कोई डिज़ाइन देंगे, अभी हम देखते हैं क्या रहने वाला है यहाँ पे जो भी है, तो बस बने रहिए ब्लॉग के साथ, अभी पीपीएफ टैंक पे हुआ भी नहीं है, वो और होना बाकी है। तो गाइस फाइनली अभी बज चुका है 1 बज गया भाई, अभी पता है मैं 1:41 हो गया भाई, और सुबह मैं 9 बजे आया था, इतना भयंकर टाइम लग रहा ना बहुत ज़्यादा गाइस सच में, और शाम तक काम होगा गाइस, पता है वाइजर रह गया बाइक का और टैंक रह गया, पीछे के पैनल रह गए, अभी तो साइड के जो पैनल है वही कम्प्लीट हुए हैं, और नंबर है पैनल उसका टैंक पैड का। तो फाइनली अभी ये भैया काट के ले गए फैजान भाई, इसको अब टैंक पर होगी लैमिनेशन, उसके बाद बैक पैनल, मतलब बहुत टाइम लग रहा है लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा जैसा भी है। पहले टैंक क्लीन उसके बाद पीपीएफ, ये सही है भाई। तो भाई हमने अपनी बाइक का टैंक पैड खोल दिया, ये चेक करो भाई, हटा रहे हैं मतलब इस पर ना बहुत अच्छे से लैमिनेशन हो गया, मतलब ठीक आराम से निकालना, लॉक ना टूटे, वैसे खुल गया ना पूरा, ये तो खुल गया भाई, निकल जाएगा बहुत ईजी, लॉक होगा बस एक, लॉ मैं निकालूँ बस। तो भाई फाइनली ये पैनल निकल चुका है हमारी बाइक के टैंक का, अब होगा मज़ेदार काम, उसे भी निकाल लो ऐसे ही, फिर बीच वाले को निकाल के, पहले बीच वाले पे कर लेना ना सही से फिर हाँ निकल जाएगा, हाँ हाँ वो इजी निकल जाएगा। तो भाई टंकी भी खुल चुकी है हमारी बाइक की, क्या कंडीशन हो गई भाई पीपीएफ के चक्कर में। तो भाई यहाँ पे हमारे फैजान भाई जो टैंक का पैड है ना, लेफ्ट हैंड का जो पैनल है उस पर खोल के ही लैमिनेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहीं पे मैं कर दूंगा ठीक है, क्योंकि इससे खुल के ना गाइस बहुत अच्छी तरह से अंदर फिट कर लोगे आप, जैसा भी लैमिनेशन बहुत अच्छी बैठेगी, उखड़ेगी भी नहीं जैसा भी है। और ये कंडीशन हो चुकी है इधर बाइक की, इस पर भी अच्छे से बैठ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लैमिनेशन अंदर जाएगी ना तो एकदम बेस्ट रहेगा, मतलब अंदर बैठ जाएगी इसके ये जो लेयर है तो एकदम उखड़ेगी नहीं, ठीक है बढ़िया हो जाएगी जैसा भी है। तो उधर अपने फैजान भाई कर रहे हैं इस पर,
तो भाई फाइनली हमारे बाइक का टैंक पैड जो है लेफ्ट हैंड साइड का भाई पूरा हो चुका है, बस थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, फिर राइट का रह जाएगा, उस पर करेंगे धीरे धीरे, सारी बाइक हो ही जाएगी। तो गाइस फाइनली इस पर हो चुकी है पीपीएफ पूरे पर, कटिंग कर रहे हैं फैजान भाई, उसके बाद इसकी फर्स्ट लेयर उतरेगी, फिर देखना इसका लुक कितना प्यारा आएगा। तो भाई इस पैनल पे पीपीएफ हो चुकी है, अभी इसकी पिन्नी उतार दें जो फर्स्ट लेयर है, अभी थोड़ी सी कटिंग और करनी है उसके बाद उतारेंगे। तो गाइस फाइनली इसकी कटिंग हो चुकी है, इसकी लेयर उतारते हैं फर्स्ट लेयर, देखना कितना प्यारा लुक आने वाला है, किधर से उतरेगी भाई। चेक करो गाइस, ये चेक करो कितनी साइन आ रही है भाई, इस पे नेमिनेशन होने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि इस पैनल पे नेमिनेशन हो रखी है पीपीएफ, फाइनली हो चुकी है। उधर फैजान भाई दूसरे वाले पे कर रहे हैं, उस पे हो जाएगी, फिर उसकी कटिंग करके वो लगाना, फिर रह जाएगा बैक पैनल और वाइजर बाइक का, करते हैं भाई धीरे धीरे। तो भाई सेकंड पैनल भी रेडी हो गया, इसकी भी फर्स्ट लेयर उतारते हैं, ये चेक करो भाई मैं उतारूँगा, शॉट यार अकेले को शूट करना पड़ रहा है। ओ भाई क्या साइन आ रहा है, तो भाई अब ज़्यादा काम नहीं बचा बाइक में, बस बैक पैनल रह गए, टैंक पैड हो गया और बाइजर, बस बैक पैनल और बाइजर रह चुके हैं, उसके बाद मिलते हैं। इधर भाई हमारा टैंक का काम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है, पैनलों का मैंने कर दिया, ये हो गया बस, अब बस ये और बाइजर रह गया, बस थोड़ा सा हो रहा है भाई, ये भी कंप्लीट हो गया है, और इसकी फर्स्ट लेयर उतार रहे हैं हमारे फैजान भाई, देखना कितना प्यारा लगेगा ये। एकदम साइनिंग आ गया नई वाली बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच थे सारे रिमूव हो गए। तो बस भाई सारा काम कंप्लीट हो गया, अब रह गया हमारा बाइजर और बैक पैनल। चलो भाई मस्त लगा, हमारा लेफ्ट हैंड का पैनल भी लग चुका है, और टैंक पे इतनी साइन आ रही है ना भाई, बिल्कुल न्यू लग रही है, न्यू तो है ही बाइक। अब फैजान भैया मेरे पास है सारे, ले आओ तुम, ये क्या है कटर, रेड कटर ये रहा, लगा लेना इसे, लगाओ इधर से लगाओ। तो अभी लगाते हैं लेफ्ट हैंड का पैनल, और ये सारे स्क्रू इतने सारे भाई इन्हीं में लग जाएंगे सारे भाई, मस्त लग रही है बाइक पहले से, में बहुत साइन आ रही है। चलो वो पहले हाँ नीचे नक्का है, फोन प्यार के साथ, तो भाई कभी भी आप अपने R15M पे PPF कराओ तो खोल के कराना टैंक, बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएगी प्रॉपर। अब यहाँ से निकलने का ना कुछ भी सुनिए, हमने अंदर से ना एक नेमिनेशन भी लगा रखे है ना, दिख भी नहीं रही है नहीं, वो तो पता भी नहीं चलेगा भाई इतनी। और भाई बहुत ही प्यारी काम हुआ भाई मेरा, तो एकदम मस्त हुआ है फैजान भाई के यहाँ काम, बहुत मस्त एकदम। तो भाई फाइनली हाँ एलंकी कर दिया, तो फाइनली गाइस टैंक का काम कंप्लीट, वाइजर और बैक पैनल रह गया बस। और भाई इतनी प्यारी लग रही है ना, साइन मार रही है सच में, बाइक चमक रही है एकदम, मस्त काम हुआ भाई। गाइस पता है पूरा दिन हो जाएगा आज यहाँ पे, लेकिन भाई काम एक नंबर एक का हो रहा है बिल्कुल, 3:12, लेकिन कोई नहीं काम में मज़ा आना चाहिए। बैक पैनल हो रहे हैं अभी धुले हैं भैया ने, उसके बाद बाइजर रह जाएगा बस, फिर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कराएंगे तो चीज़ भी पता चल जाएगा। तो गाइस ये हो चुका हमारी बाइक का सीन, नंबर प्लेट वगैरह सब गायब, क्योंकि इस पर अब PPF होनी बाकी है, पीछे कर रहे हैं भैया अभी यहाँ पे, ये तो थोड़ी देर का काम है, जो ग्रैप रिल लगा रखी है ना उसने स्क्रैच मार दिया है, लेकिन कोई नहीं है तो दिखता नहीं है वैसे, ठीक है चलो भाई इसको खोलते हैं। तो भाई हमारी बाइक का लास्ट काम बचा है फ्रंट का भाई, वाइजर रह गया भैया अभी करने वाले हैं इसको भी, बाकी पूरी बाइक पे PPF हो चुकी है। हाँ अभी तो मरगार्ड भी रह गया भाई, मरगार्ड भी रह रहा अभी तो, हाँ वो तो थोड़ा सा ही अभी नीचे अभी रह रहा है भाई थोड़ा सा, बस वाइजर बस थोड़ी देर में हो जाएगा, अगर नहीं भी कराओगे तो भी सही रहेगा, नहीं कराएंगे मरगार्ड पे भी,
चलो देखते हैं जो भी। तो गाइस फाइनली हमारे वाइजर पे भी पीपीएफ हो चुकी है, बस इसकी थ्री लेयर और फर्स्ट लेयर उतारनी है, उसके बाद मरघाट पर होनी है बस, फिर लास्ट। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक पे लास्ट पीपीएफ हो रही है मरघाट पे, मडघाट पे। पूरी बाइक चेक करो भाई, अभी वाइजर और खींचेगा, डबल डबल वाइजर और मिरर। और भाई पहले से ना बहुत ज़्यादा साइन आ रही है, मतलब जो स्क्रैच थी ना वो भी रिमूव हो चुकी है, यहाँ पर ना काफ़ी स्क्रैच थे वो पीपीएफ कराने के बाद ना भाई पूरे रिमूव हो चुके हैं, तो बहुत शाइनिंग आ रही है जैसा भी है। तो बस, तो गाइस फाइनली हमारी बाइक का ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया, मतलब सब कुछ हो गया, बस हमारे यूट्यूब का लोगो लगना बाकी है यहाँ पे, वो नेक्स्ट डे लगेगा क्योंकि भाई आज इनका भैया का सिस्टम ख़राब चल रहा है। तो फाइनली गाइस कैसी लग रही है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस फाइनली मेरी बाइक मुझे बहुत प्यारी लग रही है सच में, मतलब न्यू वाली साइन आ रही है, जैसे हम कंपनी से लेकर आए थे ना बिल्कुल ऐसी लग रही है। जो हल्का भी स्क्रैच था ना सारे रिमूव हो चुके हैं, और भाई ने यार इन्होंने ना बहुत ज़्यादा मेहनत करी है भाई, थैंक यू भाई इतनी मेहनत करने के लिए। और गाइस बताए कुछ भी काम करवाना भाई फैजान भाई के पास जरूर जाएं। बोर्ड येरा चौधरी बाइक डेकोरेशन, और ये वाला नंबर है भाई का, भाई इस पर कॉल कर लेना। और पता येरा रहरा रोड शाहपुर कला हसनपुर के पास जैसा भी। और भाई यहाँ पे ये स्क्रैच थी, यहाँ पे भैया लगा रहे हैं स्माइल। हाँ यार सही है यार, ये भी ब्लू ब्लू नहीं है, ब्लू ब्लू नहीं है, पूरा कवर हो रहा है ना, हटना ये लगा दो फिर यार, यही लगा दो यार। तो गाइस यहाँ पे एक स्क्रैच थी, यहाँ पे लगवा रहे हैं स्माइल का, बाद में कुछ मॉडिफाई कराएंगे क्योंकि भैया अब भैया शॉप बंद कर रहे हैं, सारा काम हो गया, शाम हो चुकी है, और ये वाला ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, ये स्माइल का स्टिकर लग जाएगा बस। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना। गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख पाए हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।